ये जो हमारे थे वो थे हमारे जो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूवीएल, विथ यूडीएल, विथ पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, ये बीम्स की बात थी। तो ये अब हम बात करेंगे ओवर हैंगिंग बीम्स की, और ओवर हैंगिंग बीम्स पे हम यूडीएल एंड पॉइंट लोड जो भी हैं वो हमारे उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक चीज जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। जहां पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है आपका वो साइन चेंज करे, ठीक है, मतलब साइन चेंज करेगा तो ऑफ कोर्स बेस लाइन पे एक पॉइंट आएगा वो जीरो होगा ना, तभी वो प्लस से माइनस जा रहा होगा ना। जिस तरह हमारी शियर फोर्स थी प्लस से माइनस जा रही थी तो वो पॉइंट ऑफ जीरो शियर था, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट है हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन को जो है वो चेंज करता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर। अच्छा, तो ये जो हमारा ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम जो है हमारा, ये मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है फॉर सेक ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, लेकिन मजे की बात ये है कि हम इसमें दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर भी और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर भी फाइंड आउट करेंगे कि वो कहां पर है। सो लेट्स डू इट, ठीक है, इसको करते हैं। इट इज कॉमन थिंग कि आपको पता है कि रिएक्शन की जो वैल्यूज है यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। ये ओवरहैंगिंग बीम है, इसका ओवरहैंग पोर्शन जो है वो 2 मीटर है। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग आवर शेयर फोर्स, जो डायग्राम की जो कैलकुलेशन है हम वो कर लेंगे जी। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स हमारी जो है वो पॉइंट ए पर जो है वो कितनी है जी, 3 kN पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड है। शेयर फोर्स From point A to point B, 3 minus, ये जो A to B जो है वो resultant 2 into 4 है, तो वो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 minus 8, तो ये आपका क्या होगा, -5। Shear force at point B जो होगी आपकी वो क्या होगी, -5, एंड अपवर्ड है रिएक्शन यहाँ पे 9, ठीक है, तो ये +9 होगी और वो आपकी क्या होगी, 4 होगी। शेयर फोर्स फ्रॉम पॉइंट बी टू सी में ये आपको पता है कि 2 है, 2 into 2 आपका ये क्या होगा, 4 होगा डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा, 4 minus 4, तो ये क्या होगा, 0 होगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट लोड कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है जी। हम पहले क्या करेंगे, इसकी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हम इसके पॉइंट्स को मार्क करेंगे पहले। शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितनी है जी, 3 kN। शियर फोर्स फ्रॉम ए टू बी कितनी है, -5 kN, ये -5 हो गया। शियर फोर्स एट पॉइंट बी कितनी है, +4 है, आप जाएंगे एंड दिस इज द पॉइंट +4। शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितनी है, 0 है। हमने जस्ट इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ये सबसे जो है ना वो फेवरेट एक्टिविटी है मेरी, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना ना। सो जस्ट कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, सो दिस इज द पॉजिटिव एंडिंग। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉइंट ऑफ जीरो शेयर आ गया इसमें। सो लेट्स फर्स्ट लोकेट द पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। पॉइंट ऑफ जीरो शेयर को लोकेट कर लेते हैं जी, ठीक है। सो एट एनी सेक्शन एक्स, ये ए और बी के दरमियान जीरो हो रहा है, तो हम यहीं कहीं इसका जो है ना वो ए और बी के दरमियान ही सेक्शन ले लेंगे, ठीक है जी। इसका जो सेक्शन है उसकी मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, एंड दिस इज वॉट 3, एंड दिस इज वॉट x। इसका जो UDL का जो है वो क्या है हमारा, 2 है, 2 kN/m UDL है हमारा। तो शेयर फोर्स इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 2
इनटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। सो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स जो होगा वो कितनी है हमारी, थ्री माइनस टू एक्स है। ओके तो शियर फोर्स जीरो है जिस पॉइंट पे, हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे शियर फोर्स जीरो, तो शियर फोर्स की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं, थ्री माइनस टू एक्स, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है हमारे पास, 1.5 मीटर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1.5 मीटर हमारी वैल्यू आ गई। इट मींस के इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो क्या करते हैं जी, लेट्स कैलकुलेट फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके अच्छा जी, अब आपने अगेन क्या करना है, आपने बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या आएगा हमारा, जीरो होगा ऑफ कोर्स। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी मतलब यहां तक हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये रिजल्टेंट जो होगा हमारा ये क्या होगा, टू इंटू फोर, ये क्या होगा, सॉरी ये मैं रेस कर दूं, 2 × 4 ये क्या होगा हमारा, 8 होगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी, ये जो आर ए ये 3 है, ये सैग प्रोड्यूस करेगा, सो ये पॉजिटिव होगा 3 × 4, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा, इसका जो लिवर आर्म होगा वो कितना होगा, यहां से 2 होगा, जाहिर सी बात है हाफ पे करेगा 2 मीटर्स होगा, तो माइनस ये हॉग प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, माइनस 8 × 2, तो 12 − 16, तो ये क्या आएगा, माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट फ्री पॉइंट पे भी आपका क्या होता है, वो जीरो होता है, रिमेंबर दिस थिंग, बेंडिंग मोमेंट फ्री पॉइंट पे भी आपका क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी जो है ना एक और वैल्यू रह गई है जी, वो वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और वो क्या है हमारी, 1.5 है, ठीक है जी। तो हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले। 1.5 पे हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जस्ट हमने इस सेक्शन को यहाँ से कट करना है। ओके तो ये कितना रिएक्शन है हमारा, ये हमारा रिएक्शन है 3, ठीक है, ये लोड है हमारा 2, और ये जो लेंथ है हमारी वो है 1.5। ओके तो क्या होगा जी, इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है, इसका हमारा बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो 2 × 1.5 इसका जो है ना वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इनटू 1.5 इसका जो है वो रिजल्टेंट होगा, और 1.5/2 इसका लिवर आर्म होगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हमारी जो है वो कैलकुलेशन 3 × 1.5, ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सैग प्रोड्यूस कर रहा है और ये हॉग प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पे, तो 2 माइनस में आएगा, 2 × 1.5 × 1.5/2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 2.25 की ये वैल्यू आएगी। अच्छा अब हमारे पास 3-4 वैल्यूज आ गई हैं, लेट्स ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले इसकी बेसलाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। एट पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट इज 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज -4, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.25 आ रही है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जो है वो हमारा 0 है। सो लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स, लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स। अच्छा जी इसको रब कर लेते हैं, मजा नहीं आया इस लाइन में। अच्छा ये हमारी लाइन है, मैं इसको रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड दिस। तो सो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई, लेकिन इसमें एक चीज आ गई कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन को जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर है, और वो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर भी हमारा बिटवीन ए एंड बी आर है, ठीक है जी, बिटवीन ए एंड बी आर है। सो लेट्स कैलकुलेट कि ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर जो है वो हमारा, इसकी वैल्यू कितनी है। ओके लेट मी क्लियर ऑल दीज ड्राइंग्स।
तो हम क्या करते हैं जी, इसका सेक्शन कट कर लेते हैं एट एनी सेक्शन एक्स, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर है वो कितना आता है, वो आना कम चाहिए, फोर से कम चाहिए, क्योंकि ये देखिए ना यहां तक तो फोर है, ये फोर से कम ही आना चाहिए। ओके, तो इसका सेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो ये फोर, ये टू है लोड हमारा, ये एट एनी सेक्शन एक्स है, ठीक है। जिस तरह आप शियर ले रहे थे इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स है, बी एम एट एनी सेक्शन एक्स को कैलकुलेट करेंगे, थ्री लेट मी रब इट, थ्री इंटू एक्स, ये पॉजिटिव होगा, अगेन इसका जो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, टू एक्स होगा, ठीक है। टू एक्स माइनस को होगा क्योंकि ये यहाँ पे हॉग प्रोड्यूस करेगा, माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स बाय टू, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट वो पॉइंट चाहिए हमें जहां पर बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो, जीरो हो, ठीक है। जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू हो वो क्या हो, हमारी जीरो हो। तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, ठीक है। और थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का आपने जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू टू में कट आउट हो जाएगा, ठीक है। इट वुड बी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, इट मीन्स के ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर है हमारा वो थ्री मीटर्स अवे है फ्रॉम पॉइंट ए। सो दिस इज हाउ वी लोकेट द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ जीरो शियर भी आपने देख लिया और पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर को भी कैसे लोकेट करते हैं वो भी आपने देख लिया। ओके, सो ये था हमारा, इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स को देखें प्लीज, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल सॉल्व करवाना है सो आई एम रेडी, वी विल डू इट। इसके बाद जो हमारा जो केस है वो हमारा केस है जी इंक्लाइन लोड का। ओके, इंक्लाइन लोड जो है हमारे, जो बीम के ऊपर इंक्लाइन लोड लग रहे हैं उनको हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें एक और डायग्राम ऐड हो जाएगी जिसपे हमने डिस्कशन करना है, वो है एक्सियल लोड डायग्राम भी कहते हैं हम उसको, उसको थर्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। उसकी जो साइन कन्वेंशन है, उसकी साइन कन्वेंशन राइट वर्ड आपकी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और लेफ्ट वर्ड जो है वो आपकी नेगेटिव है, ये लेफ्ट ऑफ द सेक्शन के लिए है। अगर आप राइट ऑफ द सेक्शन के लिए करेंगे सो दैट वुड बी लाइक जो आपका जो होगा जो वाइस वर्सा हो जाएगा, लेफ्ट पे जो है वो अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट वर्ड है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो आपकी राइट वर्ड है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये थर्स्ट डायग्राम की साइन कन्वेंशन है, एक्सियल डायग्राम की साइन कन्वेंशन है। ओके, ये जो इंक्लाइन लोड्स हैं, यू नो दैट कि आप इनको अगर रिजोल्व करें यहाँ पे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 100 इनटू साइन 60, ठीक है जी, और ये क्या होगा, कॉस इनटू 100 इनटू कॉस 60, कॉस 60 0.5 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन सबको रिजोल्व कर लेना है। देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई, 86.6 आई और ये 0.5 है तो 50 आ गई। इसी तरीके से आपने सारे कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेना है। तो आपका जब हिंज सपोर्ट पे इसका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, 451.8 आएगा। मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे आप नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल चीजें हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थर्स्ट डायग्राम पर जा रहा हूं जिसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थर्स्ट डायग्राम की जो है ना वो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट मी क्लियर, ये थर्स्ट डायग्राम की कैलकुलेशन है, थर्स्ट डायग्राम। तो मैं इसको जो है ना वो एक्सियल लोड को ए से कर रहा हूं, ठीक है, ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ए
पॉइंट पे जो एक्सियल लोड है वो हमारा कितना है जी, 451.8, और ये राइट वर्ड है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एट पॉइंट एट ए टू बी जो है आपका एक्सियल फोर्स फ्रॉम ए टू बी जो है आपका वो कोई एक्सियल लोड नहीं है। देखिए इस ए टू सी के दरमियान जो है आपका कोई एक्सियल लोड नहीं है, ठीक है, आपका कोई एक्सियल लोड नहीं है ए टू सी के दरमियान। एक्सियल लोड फ्रॉम ए टू सी जो है वो भी आपका क्या होगा, 450 1.8 ही होगा, वो भी पॉजिटिव। ओके अच्छा जी, एक्सियल लोड एट पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है यहां पर लेफ्ट वर्ड 50 है, मींस माइनस है, 451.8 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 401.4। अच्छा ये पॉइंट जो है आपका ये जो 50 है, ठीक है, आप जब इसको कट करेंगे ये 451.2 है एक्चुअली, यहाँ पे ये 451.2 है और वहां पे वो 451.8 लिखा हुआ है, तो प्लीज आप इसको जो है ना वो एक दफा कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि ये 451.8 है या 2 है, प्लीज इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आई एम राइटिंग इट 2, ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा 451। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 401.2, क्योंकि 451.2 हमने ले लिया तो 401.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी टू डी जो है अगेन आपका सेम रहना है, ये पॉजिटिव आएगा। ओके पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव ही अभी चल रही है, 401.2 आ जाएगी। देन आपका डी पर जो एक्सियल लोड आएगा वो कितना आएगा, 401.2 माइनस, अगेन देखिए लेफ्ट वर्ड की तरफ है, 141.4 है। ओके 141.4 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 259.8 आएगा। अगेन डी से लेकर ई तक कोई एक्सियल लोड नहीं है, तो इट वुड बी 259.8, ठीक है जी। फिर ई पर जो एक्सियल लोड की आप देखेंगे तो अगेन लेफ्ट वर्ड ये कितना है, 259.8, तो ये क्या आ जाएगा, ई पर डायग्राम आपकी क्लोज हो जाएगी एंड दैट वुड बी जीरो। सो लाइक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल डायग्राम के लिए भी आप बेस लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम या लेंथ ऑफ द मेंबर जो भी है आपका, आप इसके पॉइंट आप मार्क करें। ए पर जो है वो कितनी है हमारी, 451.8 है, ए टू सी तक भी अगेन 451.8 है, फिर पॉइंट जो है आपका लेट मी रब दिस थिंग, यहाँ पे ये ज्यादा गहरा पॉइंट आ रहा है। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, 451.8 कांस्टेंट है। देन आपका जो सी पर है वो आपका कितना बन जाता है, 401.2, अगेन फ्रॉम सी टू डी इट रिमेन्स 401.2, फिर आपका जो डी पॉइंट है उस पर कितना बन जाता है, 144.4, ठीक है, आपका ये 141.4 बन जाता है। ओके फिर जो आपका जो 401.2 के बाद जो है माइनस के बाद आपका ये 401.2 आपका यहां इस पॉइंट तक रहेगा, अगेन पॉइंट डी पर वो कितना बन जाता है, 259.8, देन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अप टू ई बिटवीन डी टू ई और ई पर ये फिर क्लोज हो जाती है डायग्राम और ये जीरो बन जाता है, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स, ये देखें ये सी एंड देन ये हमारा पॉइंट यहां पर आ गया, देन हमारी ये पॉइंट डायग्राम यहां पर आ गई, अगेन वी विल कनेक्ट
एंड दिस इज व्हाट आर एक्सियल डायग्राम आर थ्रस्ट डायग्राम। तो ये जो हमारी है वो एक्सियल डायग्राम या थ्रस्ट डायग्राम है। जब आपके इंक्लाइन लोड होंगे तो आपकी ये जो एडिशनल डायग्राम है ये आपकी ये जरूर आपकी फ्रेम से भी एक्सियल डायग्राम बनेगी, ठीक है, तो आपने वो बनानी है। तो ये आपकी जो है वो इंक्लाइन लोड पे यहाँ पर बन जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो समझ आई होंगी। एंड इसके अलावा